गुस्सा होगा तो फिर क्लिप बनना शुरू हो जाएंगे फिर ये करना शुरू जाएंगे कोशिश कर रहे हैं देखें बात ये कि जो नेचुरल स्टाइल है इंसान उसको तो छोड़ नहीं सकता है ना जिससे सारी सक्सेस मिली है सारा कुछ मिला है अब लोग उसी को बोलते हैं कि उसी चीज़ को आज वो चीज़ थोड़ी सी बुरी लग रही है लोगों को लेकिन जो नेचुरल है वो तो रहेगा कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा लड़के आए हैं पाकिस्तान टीम के प्लेयर हैं थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दें उनको सबको साथ लेके चलेंगे टूर्नामेंट में पहली विन मिला है और आई थिंक Uh, बड़ा ज़बरदस्त हमने कम किया जहाँ से क्योंकि दस ओवर हैं पचास रन थे और जिस तरीके से मार्टिन गप्टिल ने जो इनिंग खेली है मैं समझता हूँ कि ऐसी इनिंग शायद पी में किसी बैट्समैन ने नहीं खेली होगी क्योंकि थ्रू आउट द इनिंग जो है वो टीम को लेके चला और बहुत ही क्रूशल टाइम पे जहाँ पर हमें हिटिंग चाहिए थी वहाँ पे उसने हिटिंग की और बहुत ही आउटस्टैंडिंग बैटिंग थी पीएसएल की अभी तक की जितनी भी इनिंग्स हंड्रेड हुए मैं समझता हूँ कि सबसे बेस्ट जो उसने इनिंग खेली है अभी तक और खेड गोश्त जो हमारे बॉलर्स है जिस तरीके से तमाम पाँचों बॉलर उसने बॉलिंग की कंडीशन आसान नहीं थी बॉलिंग के लिए लेकिन जिस तरीके से आखिर में अपने नफ्स को कंट्रोल किया नसीम हसनैन और उड़ी नसीब में वो बहुत ज़बरदस्त था देखें जहाँ तक आपने बात की कि पाँच लास्ट फाइव ओवर्स की देखें वो फाइव ओवर्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं अगर आप पहले बैटिंग कर रहे हो या बॉलिंग कर रहे हो वहाँ से टी ट्वेंटी में टीमें जो है मोमेंटम गेन करती हैं तो हमारे लिए अच्छी चीज़ ये हुई कि हमारे जो दोनों आखिरी के पाँच ओवर देखें तो बहुत आउटस्टैंडिंग रहे अगर बैटिंग वाइज देखें तो ऑलमोस्ट हमने सत्तर रन बनाए आखिरी पाँच ओवर में और जिस तरीके से आखिरी पाँच ओवर में हमारे बॉलर उसने बॉलिंग की मुश्किल कंडीशन में और वो बहुत आउटस्टैंडिंग थी और जहाँ तक रही मेरी बैटिंग के बाद देखें टी फॉर्मेट है और जल्दी जल्दी चीज़ें होती हैं तो इन कोशिश करेंगे कि बैटिंग में भी रन हो जाएंगे इन शाला देखें अगर आप हमारा टॉप ऑर्डर्स की बात करें तो देखें दोनों फास्ट ही खेलते हैं अब जेसन रॉय और गप्टिल तो हम कोशिश करेंगे कि इनको यही खेलने के अपना नेशनल गेम खेलने देखें जिस दिन ये दोनों खेल जाएंगे जेसन रॉय जैसे लास्ट ईयर खेलते रहे तो हमें इतना वरी नहीं है हाँ वरी करने की बात यह कि थोड़ी ज़्यादा विकटें गिर रही हैं पहले सिक्स ओवर्स में तो वो उसको थोड़ा हमें देखना पड़ेगा देखें Uh, बंगल जई को हम लेके आए कोशिश कर रहे हैं कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्फिडेंस दें लेकिन उनका गेम ही नेचुरल यही खेलने का है तो हम कोशिश यही किए कि उनको आप अपना नेचुरल गेम खेलें और जहाँ तक रही बात फास्ट बॉलर की देखें जिस टीम के पास भी अच्छे फास्ट बॉलर हैं और अगर वो इनकी एग्जीक्यूशन अच्छी है तो वो बहुत अच्छी हो सकती है उनकी कार्यकर्दी जैसे लाहौर का कलंदर ने अगेंस्ट मुल्तान सुल्तान जो है वो मैच जीता आखिरी पाँच ओवर्स में तो आज हमारी टीम ने भी हमारे फास्ट बॉलर पर हमारे पास भी फास्ट बॉलर मौजूद हैं जो पाकिस्तान टीम में मौजूद हैं और बहुत अच्छा अच्छा करते हुए आए हैं तो हम उम्मीद यही करते हैं कि इन शाला कि हमारे पास जो बॉलर थे वो हमारे लिए और बहुत अच्छा करेंगे देखिए जब हम लोग यहाँ से फील्डिंग करने जा रहे थे तो हमें आइडिया था कि ड्यू फैक्टर 100 परसेंट जो है वो आएगा तो कोशिश यही थी कि जो मेरे पास लेग स्पिनर है या रिस्ट स्पिनर हैं उनको मैं सर्किल के अंदर लेके आऊँ और विकेट लेने की कोशिश करूँ तो अल्लाह का शुक्र है कि वहाँ दोनों में कामयाबी मिली लेकिन सर्किल के बाद मैंने कोशिश यही की कि, कि, कि मैं बैक टू बैक बॉलर्स को ओवर्स ना कराऊँ और स्पेल बाय स्पेल में बॉलिंग कराऊँ तो यही टारगेट किया था कि यार ज़्यादा क्योंकि जब आप ड्यू गिर रही होती है बहुत ज़्यादा तो स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है बॉलर्स को और थक बहुत ज़्यादा जल्दी जाता तो इसलिए हसनैन और नसीम का ये मेरा था कि मैं इनको एक एक ओवर का स्पेल कराऊँ ज़्यादा लंबा स्पेल ना कराऊँ ताकि ये मेरे लिए फ्रेश रहें आई थिंक इनको ग्रेड देना चाहिए कि कंडीशन बहुत ज़्यादा मुश्किल थी स्पेशली स्पिनर्स के हवाले से लेकिन कैश और नवाज़ ने जो मिडिल में बॉलिंग की और हसनैन का नसीम का अठारहवां ओवर और हसनैन का उन्नीसवां ओवर वो मैं समझता हूँ कि बेस्ट ओवर थे इस पूरी इनिंग्स में और जहाँ तक रही बैटिंग ऑर्डर की बात देखें मेरी बात याद रखिएगा टी ट्वेंटी में बैट्समैनों का जो नंबर होता है ना वो एक बहुत कम होता है शफल बहुत ज़्यादा होते हैं सिचुएशन के हिसाब से टॉप ऑर्डर जो है वो आपका एक जैसा रहता है टॉप ऑर्डर में पहले तीन बैट्समैन और बाकी बैट्समैन जो है वो सिचुएशन के हिसाब से आगे चलते हैं सिचुएशन के हिसाब से हमारा बैटिंग ऑर्डर बिल्कुल सेटल्ड है हम बैट्समैनों से बात करते हैं कि आपने मैच से पहले इस नंबर पर जाना ऐसा कोई नहीं है कि ड्यूरिंग मैच जो है वो किसी को भेज देते हैं तो बैटिंग ऑर्डर बिल्कुल सेटल्ड है और बस उम्मीद करते हैं कि इन बैटिंग भी आगे क्लिक करेगी रशीद शुक्र अच्छा बुरा टाइम जो है वो हर प्लेयर पे थोड़ा चलता रहता है देखें उमर अकमर की प्लेयर बहुत ज़्यादा अच्छे हैं इसीलिए हमने उन्हें बैक किया अनफॉर्चुनेटली जो है उनसे रेस्ट नहीं हो पाए लेकिन मैं स्टिल मैं समझता हूँ कि उनमें उनके अंदर कैपेबिलिटी है टैलेंट मौजूद है अगर वो थोड़ा सा विकेट पर टाइम लेंगे तो बहुत बेहतर कर सकते हैं और हम भी उनसे यही बात करते हैं कि अगर आप अपने आप एबिलिटी पर ट्रस्ट करें और तीस से पैंतीस बॉलें अगर आप खेल सकते हैं तो आप पचास से साठ रन बना सकते हैं तो ये कि टी गेम बहुत तेज़ है उम्मीद है कि इन आने वाले मैचों में उमर अकमल अगर विकेट पर ठहर गए तो मुझे लगता है हमारे लिए अच्छा कर सकते हैं देखें जहाँ तक रही मेरे शॉट टांग रख के शॉट रखने वाली शॉट लग तो रही है थोड़ा सा टाइम गुजरेगा तो इन वो लग भी जाएगी और जहाँ तक रही बात बिल्कुल देखें थोड़ा सा डिफरेंट खेला पिच अगर आप हमारी इनिंग की बात करते हैं तो उस टाइम पे जो है बॉल थोड़ा होल्ड कर रहा था बहुत ज़्यादा ड्राई पिच था तो इसकी वजह से शुरू में जो है बॉल बल्ले पे बहुत ज़्यादा नहीं आ रहा था जिसकी वजह से मार्टिल कैप्टिल पूरा जैसे मैंने मेंशन किया कि थ्रू आउट इनिंग को वो लेके चले जिसकी वजह से जब विकेट पर रहे तो फिर उन्होंने आखिर में रनस बनाए और डेफिनेटली जब ड्यू गिरता है तो बॉल जो है अच्छा बैट पर आता है और थोड़ा सा नज़र भी आया हमारे बॉलर को कैड देना चाहिए कि मुश्किल कंडीशन में अच्छी बॉलिंग करी लेकिन शुएब भाई हो जिस तरीके से न्याजी लेके जा रहे थे तो एक टाइम पर थोड़ा सा घबराहट महसूस हुई लेकिन हमारे बॉलर ने अच्छा फिनिश किया आखिर में देखें पहली बात तो यह कि शाही महजूब का क्रेडिट जो है वो जो ये खड़े हुए हमारे आजम भाई नदीम उमर साहब और नबी लाशमी को देना चाहिए क्योंकि जब वो हमारे पास 2020 में हमने जब उनको पैक किया था तो डेफ़िनेटली जो है लोगों ने काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया तो हमें पता था कि टैलेंट है बच्चे के अंदर थोड़ा सा टाइम लगा किसी भी यंगस्टर को एक मौका पूरी अपॉर्चुनिटी चाहिए होती है तो वो उसको अपॉर्चुनिटी मिली और उसके बाद उसने वहाँ से लर्न किया और काफ़ी कुछ सीखा मेहनती बच्चा है और ये कि बस उसको सबकी सपोर्ट चाहिए आई नो के कल उसने बहुत ही ज़बरदस्त इनिंग खेली और मेरे साथ पूरा सीज़न खेलता वाया है टी बहुत अच्छा खेला है फर्स्ट क्लास बहुत अच्छा खेला है तो ये है कि सब उसको ऐसी सपोर्ट करते रहे हैं, बैक करते रहे हैं, तो पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा वनडर्स करेगा और कह जाता है पाकिस्तान क्रिकेट क्लब को कि वो पाकिस्तान को कराची को बड़े ज़बरदस्त प्लेयर दे रहे हैं शॉट तो बस देखें ना पर प्लेयर तो वो है इन आपको और भी उसके बहुत अच्छे अच्छे शॉट्स हैं जो कि आपको इन किसी दिन हमारे खिलाफ ना खेले बाकी टीमों के खिलाफ ज़रूर खेल रहे हैं